हेलो दोस्तों, मेरे हार्दिक कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपिका आज आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ। आई होप मेरे पिछली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आइए, हमारा विषय है आज का जन्माष्टमी पर निबंध, जो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में भादो मास यानी जुलाई अगस्त के कृष्ण पक्ष को अष्टमी के दिन मनाया जाता है। उन दिनों ब्रज में अत्याचारी राजा कंस का राज्य था। वह कृष्ण का मामा भी था। ज्योतिषी ने उसे बताया था कि उसकी मृत्यु उसके भांजे द्वारा होगी। अतः उसने अपने बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। वह श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को हुआ। अर्धरात्रि मतलब आधी रात को। उस अर्धरात्रि को वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और इसी तरह श्री कृष्ण का बचपन नंद बाबा के यहाँ गोकुल में बीता। श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी कंस का वध करके महाराजा अग्रसेन को गद्दी पर बिठाया और पीड़ित जनता को सुख शांति प्रदान की। श्री कृष्ण महान निपुण राजनीतिक एवं मानवता के रक्षक थे। उनका जीवन दर्शन कर्म प्रधान है, जो श्री भगवद गीता में संग्रहित है। जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु दिन भर व्रत रखते हैं और शाम को पूजा पाठ करके मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके रात्रि के ठीक 12 बजे उनके जन्म के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। जन्माष्टमी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। देखा दोस्तों, ये इजी लाइन है जो अपने बच्चों को आप अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। आप इसे समझा भी सकते हैं बच्चों को एक कहानी की तरह, ताकि बच्चों को याद रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।